सो हेलो भैया, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो स्वागत करते हैं आप सभी का बाहु भौकाल में। तो भैया, आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको एक सब्जी है जो कि गांव में ही आपको मिलेगा। शहर में जहां तहां अगर आपको मिल जाता है किलो के भाव पे तो वो अलग बात है, लेकिन आपको इस गांव में ही जहां जाएंगे आपको हर गाँव में वो सब्जी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, बस फ्री में आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना है और सब्जी तोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आप उसमें लहसुन प्याज देकर जबरदस्त मुर्गा की तरह बनाइए। मछली मुर्गा को भी फेल करने वाला है सब्जी। तो सब्जी देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम वीडियो लेट से क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अभी भौकाल टेक जो मेरा टेक्निकल चैनल है उस पर एक्टिव हैं, और उस पर एक वीडियो अपलोड करने में 2 या 3 दिन का समय लग जा रहा है, क्योंकि बारिश के कारण नेटवर्क नहीं है, प्लस में क्या बोलते हैं लाइट नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहा है और ना ही तो नेटवर्क है, तो कैसे वीडियो बनाए। किसी एक ही चैनल पे वीडियो अपलोड हो पा रहा है तो आज सोचे कि ब्लॉग चैनल पे ही अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे कि यह चैनल डेड हो गया, इस पर तो कोई है ही नहीं, तो इस पर रहने से क्या फ़ायदा। इसलिए सोचे कि नहीं, डालना पड़ेगा वीडियो। तो चलिए, वीडियो तो हम आज डाल ही रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिएगा, अपने दोस्तों को ही बुलाइएगा। तो चलिए, आपको आज हम दिखाने वाले हैं गुल्लर का सब्जी। हाँ जी, गुल्लर का सब्जी अगर नहीं जानते हैं तो आपको हम दिखाने वाले हैं कि गुल्लर का सब्जी होता क्या है। अगर जानते हैं बिहार से होंगे या फिर किसी अदर स्टेट से, झारखंड यूपी, तो जानते होंगे। अगर कहीं और से हैं तो हो सकता है नहीं जानते होंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो भी आपको दिखा दें कि ये जो पीछे आप ये जो पेड़ दिख रहे हैं यही गुल्लर का पेड़ है, इसी को गुल्लर का पेड़ कहते हैं। ठीक है, और इसका फर आपको ऊंचा ऊंचा डाली पे मिलेगा, इस पे चढ़ना पड़ता है। आपको हम बैक कैमरा से दिखा देंगे, क्योंकि आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा नहीं हो पा रहा है, कुछ साफ नहीं दिख रहा, इसलिए हम आपको बैक कैमरा से दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको गुल्लर का फल भी दिखाएंगे कैसा होता है गुल्लर। ठीक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका। ठीक है, ये तो हम छोटा पेड़ के सामने मतलब नीचे खड़ा है तो आपको लग रहा होगा कि छोटा पेड़ है, लेकिन इसका पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है। इसके पेड़ से क्या बोलते हैं कि चौकी पलंग वगैरह बनता है आराम से, दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बनता है। ठीक है, मेरे गांव में आपको दिखाते हैं, आपको ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सामने, ये आपको यहाँ से लेकर के गाँव तक आपको जहाँ तहाँ गुल्लर का पेड़ ही दिखेगा, और तार का पेड़ तो आप गिन ही नहीं सकते, इतना है आपको एकदम एक लाइन से दिख रहा होगा सीरीज में तार का पेड़। देखिए जहाँ से ताड़ी होता है, ठीक है, आपको ताड़ी भी दिखाएंगे, ताड़ी कैसा होता है अगर नहीं जानते हैं तो। आप जानते भी हैं तो मेरा दिखाना काम है, हम दिखाएंगे आपको। तो इस लाइन एकदम लाइन में लगा हुआ रहता है तार का पेड़। ठीक है, और गुल्लर का पेड़ भी आपको जहाँ तहाँ मिलेगा, लेकिन क्या देख रहे हैं हम 2 साल से कि सारा का सारा गुल्लर का पेड़ बिक चुका है, लोग लकड़ी में यूज कर लिए हैं, कुछ ही पेड़ बचा है। तो मेरे सामने ये छोटा सा पेड़ था गुल्लर का, तो सोचे कि इसी को हम दिखा देते हैं, क्योंकि हम देखे तो बड़ा वाला जो गुल्लर का पेड़ हम देखे थे 4-5 था इस रास्ता में, वो है नहीं, तो शायद बेच दिया गया है, वो लोग काट कर जो लकड़ी लेते हैं वो काट कर लेके चले गए, उसका दरवाज़ा खिड़की, मेरे गाँव में मेला भी लगता है तो शायद उसमें बना कर बेचेंगे या फिर बहुत सारा काम होता है, अपना काम करेंगे। ठीक है, तो हम आपको अब गुल्लर का दिखाते हैं फल का, गुल्लर का फल कैसा होता है थोड़ा दिखा ही दें आप। तो मेरे सामने बस इतना छोटा सा गुल्लर का जो फल होता है वो मिला, क्योंकि अभी बारिश हुआ है तो हम पेड़ पे चढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पैर फिसल जाएगा तो नीचे गिर जाएंगे, इसलिए बस इतना छोटा, तो आप देख पा रहे होंगे बस इतना छोटा गुल्लर का फल हमको मिला। ठीक है, तो हम आपको इतना ही छोटा दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी बारिश हुआ है तो हम पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकते हैं, तो मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, हम आपको बड़ा फल भी दिखाएंगे। और आपको एक बात बता दें कि ये जब ये पक जाता है, मतलब कहने का मतलब इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब ये पक जाता है तो आप पका हुआ फल को भी खा सकते हैं, हम भी खाए हैं बहुत बार, बहुत सारे लोग खाते भी हैं, और आप इसको आराम से सब्जी बनाकर खा सकते हैं ऐसे। अभी ये बच्चा है, अभी ये इसका सब्जी नहीं हो सकता है, मतलब अभी तो ये जन्म ही लिया है। ठीक है, इतना बड़ा होता है उसके बाद बनाया जाता है, और उसी को अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो पक जाएगा, उसको आप जैसे आम खाते हैं पकने के बाद, उसी तरह आप गुल्लड़ को भी पकने के बाद खा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर ज़्यादा पसंद आया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब,
और कुछ अगर आपको सजेशन देना है कैसा वीडियो बनाया जाए, किस टॉपिक पे वीडियो लाया जाए, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाकर बता सकते हैं, ठीक है। और आपको देखने में थोड़ा कुछ लग ही रहा होगा कि मेरा गांव कुछ हटकर है, क्योंकि हरा भरा है। हरा भरा रहने का पीछे एक रीज़न और है कि मेरे गांव में बीच बीच से एक नदी पार हुआ है, दर्धा नदी, ठीक है। तो जब भी पानी आता है ना, तो ये आराम से मतलब किसी भी नदी के किनारे अगर किसी गांव बसा हुआ है, ठीक है, तो जब पानी आएगा नदी में ना, तो वो पानी बहाकर कुछ, तो वो पानी उपजाऊ मिट्टी को लाता है दहाकर, जहाँ तहाँ से काट कर वो मतलब कि आकर खेत में आसपास लग जाता है। प्लस में जो आप ये नहर देख रहे हैं, ये नहर ये नदी के किनारे से निकला हुआ है, ठीक है। ये पुल जो आप देख रहे हैं पीछे, उससे जो है ना उसके पीछे नदी है कुछ आगे, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे गांव में हर जगह ऐसा ऐसा पुल है, क्योंकि नदी का पानी हर खेत में आराम से जा सके, और अगर पानी का ज़रूरत नहीं होता है तो शटर गिरा दिया जाता है तो पानी रुक जाता है। इसी प्रकार से लोग खेती भी कर लेते हैं और पानी का आराम से यूज भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि मेरे गांव में हरा भरा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा क्या बोलते हैं, बगल से दहा करके कुछ लाता है, उपजाऊ मिट्टी आता है, इसके कारण पेड़ पौधा हो ही जाता है। आपको हर साल कुछ ना कुछ पेड़ कटा हुआ यहाँ मिलेगा, कुछ ना कुछ जितना कटता है उससे 3 गुना ज़्यादा पेड़ हो जाता है खुद ब खुद, ये पता नहीं ऐसा ही होता है। तो उसका रीज़न आपको हम बता ही दिए, तो चलिए, थैंक यू।